आज हम पोटैटो स्मेली बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने आलू उबाल लिया है, 7-8 थे, उसको हमने छील लिया है। अब इसको हम फोड़ेंगे छोटे छोटे। एक चम्मच काली मिर्च छोटे चम्मच से डालेंगे, कुटा मिर्च डाल देंगे आधी चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें 3-4 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छा से हमने मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छा सा। ये कम समय में बन जाता है। ये देखिए, आटा बन गया है। इसमें अभी हम थोड़ा और डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मिक्स और करेंगे इसमें तो अच्छा सा आटा बन जाएगा। देखिए, अच्छा सा मिल गया है, आटा बन के रेडी हो गया है। ये मार्केट में भी मिलता है, पोटैटो स्माइल। ये घर पर ही बना लेते हैं इजली। घर पे ही बना के क्यों ना खाइएगा, क्योंकि बच्चों का बहुत पसंद आता है ये पोटैटो स्माइल। ये देखिए, आटा बन के रेडी हो गया है। इसमें हम कुछ ज़्यादा डाला नहीं है, क्योंकि बच्चन को बहुत पसंद है, बच्चे इनके लिए। इसमें ब्रेड भी डाल सकते हैं, मगर हम ब्रेड नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा ऐसे ही बनेगा। ये देखिए, अब हम चलते हैं पोटैटो स्माइल बनाने। ये देखिए, हमने पीढ़ा पैसे ही बेल लिया है रोटी के जैसे। अब इसको हम इस गिलास की मदद से काटेंगे गोल गोल। ये देखिए, बगल की साइड सब निकाल लेंगे, इसको फिर से हम बनाएंगे। ये देखिए, इसे निकाल लेंगे हम बढ़िया सा। देखिए, हमारा सर्कल बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें स्माइल बनाएंगे। हम स्ट्रॉ की मदद से इसकी आईज बना लेंगे स्माइली की। ये देखिए, ऐसे आईज बना लेंगे। अब हम इसमें इसका मुंह बना लेंगे स्पून के मदद से। देखिए, हमने स्पून की मदद से ऐसे स्माइल बना लिए हैं। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, तब फ्राई करेंगे। ये हमने तेल रख दिया था गरम होने के लिए। अब गरम हो गया तेल। अब हम इसमें ये स्माइलीज डालेंगे जो बनाया था। हम लोग इसे लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे और इसे अलग अलग कर देंगे, जिससे ये जुड़े ना, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है स्माइली, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसी तरह हम सारी स्माइली निकाल लेंगे।